Assalamualaikum guys, my name is Mubashra और स्कूल खुल गए हैं, छुट्टियां भी ख़त्म हो गई हैं, छुट्टियों के मज़े भी ख़त्म और हम लोग शॉपिंग करने जा रहे हैं आज। अभी हम लोग पहुंच गए हैं मेन बाज़ार सिलाई आलमगीर और यहां पर स्टॉल्स भी हैं और बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं। मैं अपने अब्बू के साथ और अम्मी और मेरी बहन के साथ आई हुई हूँ शॉपिंग करने के लिए। और भी बच्चे आए हुए हैं 14 अगस्त की शॉपिंग करने के लिए। मैं आपको स्टॉल दिखा रही हूँ, यहाँ पर कपड़े हैं 14 अगस्त के, देखें कितने अच्छे अच्छे। और यहाँ पर बच्चे भी ले रहे हैं, माए भी आ रही हैं, रश है यहाँ पर। देखें, मैं तो मुझसे चला ही नहीं जा रहा था ये दुकान, मैं आपको दिखा रही हूँ। अभी देखें कितने प्यारे प्यारे कपड़े हैं यहाँ पर। ये मेरे पापा आगे चल रहे हैं और ये देखिए कितने प्यारे कपड़े एंड वाइट। यहाँ पर बहुत सारे डिज़ाइन भी हैं, ये कप गया है, यहाँ पर शॉप है दुकान। और यहाँ पर देखें और स्टॉलर्स की दुकान है और यहाँ पर बहुत सारी दुकानें हैं। तो अभी मैं आपको क्या क्या बता सकती हूँ, इतनी दुकानें हैं यहाँ पर। ये देखें यहाँ पर खिलौने भी हैं, यहाँ पर जूते हैं, यहाँ पर कपड़े भी हैं देखें। और यहाँ पर देखें चीज़ें हैं, यहाँ पर स्टॉल लगे हुए हैं, छोटी छोटी चीज़ें बंदे बेच रहे हैं, चीज़ें हैं छोटी छोटी, यहाँ पर कपड़े हैं। और ये देखें आगे बैग्स भी हैं बहुत सारे। और देखें अभी आगे चलते हैं और देखते हैं और क्या होता है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, मुशरा माशाल्लाह, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो बाज़ार आके, पर गर्मी बहुत है यहाँ पर। गर्मी तो बेटा है लेकिन रश भी है ना, क्योंकि कल संडे है और मंडे को स्कूल ओपन हो रहे हैं, जिसकी वजह से एक तो 14 अगस्त भी आ गया, सेकेंडली ये क्या कहते हैं स्कूल भी ओपन हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये इतना ज़्यादा रश है। पेरेंट्स भी परेशान हैं, ज़ाहिर दो इवेंट इकट्ठे आ गए हैं, बच्चों का स्कूल भी यूनिफॉर्म प्लस 14 अगस्त, तो इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा रश है। जिस भी हम मार्केट में जाते हैं बहुत ज़्यादा रश मिल रहा है। जो मैं पाकिस्तान के हिसाब से देखें माशाल्लाह कितने डिफरेंट स्टाइल्स हैं जी बेटा, एक एक चीज़ देखें कितनी हम फैंसी लगाई गई, इवन के फैंसी किस कलर की चूड़ियाँ भी हैं और तमाम के तमाम जितने हैं ज़्यादातर आज जो स्टॉल हैं 14 अगस्त के हिसाब से। क्यों बेटा अभी यार आपकी मामा किधर की नज़र आ रही है, वो आगे चल गए हैं जी, वो आगे चल गए हैं। यहाँ पर देखिए प्यारी प्यारी चीज़ें, यहाँ पर बाजा भी है जिससे कान ख़राब हो जाते हैं तो गली में। हाँ ये बाजा नहीं बजाना चाहिए बेटा, क्योंकि ये को एक तो शोर शराबा बहुत ज़्यादा है और सेकेंडली है कि बाजा जो मैं ज़्यादा इस थोड़ी फिल्म में बनाई थी हमने कि हम बाजे बजाएँ और वैसे इसको सेलिब्रेट करना चाहिए, लेकिन बाजा बजा के किसी को डिस्टर्ब नहीं करना, स्पेशली मल्लों में ऐसे बाजा बजाना, कुछ बीमार भी लोग हो जाते हैं ना तो उनको परेशानी होती है, ऐसे ही है ना। तो आपने आज ज़ाहरी बात है आप मुस्तफ़ा भी आए हुए हैं, आप भी आए हुए हैं, तो क्या क्या लेना आपने इसमें? अभी हम लोग अपनी यूनिफॉर्म लेते हैं जाकर और शूज़ भी लेते हैं और स्टेशनरी शॉप पे जाके हम लोग चीज़ें देखते हैं और हम लोग क्या क्या लेते हैं। ये मेन बाज़ार है जी बिल्कुल, आप जिसको आप मेन बाज़ार ट्रायल गिर कहते हैं, आज दो तकरीबन सुबह के 11 बजे हैं दोपहर के, लेकिन रश बहुत ज़्यादा है। मैं हालांकि साइड पे होके ये आपके साथ बात कर रहा हूँ और बशर और मैं दोनों बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं कि रश में हम ना जाएं, लेकिन फिर भी बड़ी मुश्किल से यहाँ पे जो है ना पास है, स्पेशली क्योंकि जब फाटक बंद हो जाता है ना, फाटक बंद होने के साथ साथ तमाम की तमाम ट्रैफिक जो है इस बाज़ार में रुक जाती है। हमारी कौम बाला से इस जो है बुला के ये भी रिक्वेस्ट है कि जल्द अज़ जल्द जो ओवरहेड ब्रिज है उसको कंप्लीट किया जाए, ताकि ये जो फाटक वाला सीन है ना घंटों जो है यहाँ पे ज़ाया हो जाते हैं। आप कह सकते हैं कि सराइल में भी जितने लोग हैं जो अंदर रहने वाले हैं इनकी आधी ज़िंदगी जो फाटक पे गुजर जाती है, कम से कम हर 15 मिनट बाद ट्रेन आती है और 15 मिनट जब आपने वेट करना है हर स्टॉप पर, तो बड़ा ही अजीब सा लगता है। क्यों मशरा आपको कैसा लगता है जब फाटक बंद हो जाता है, जब हम खड़े होते हैं वेट करना कैसा लगता है? बहुत गंदा लगता है, उसकी वजह क्या है? धूप ही है, गर्मी लगती है और खड़े होते रहते हैं, थक ही जाते हैं।
मुस्तफा नजर नहीं आ रहा, मुस्तफा इधर आओ यार। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफा, कैसे हो? अच्छा क्या क्या लेना आज आपने? स्कूल की शॉपिंग करनी है। माशाल्लाह जी, मुस्तफा क्या है, स्कूल की शॉपिंग करनी है और स्कूल में आपके तो ड्रेसेस तो हम ले रहे हैं इंशाल्लाह। सेकंडली ये बताएं कि ये आज जो इतना रश है, ये जो 14 अगस्त का, 14 अगस्त को क्या हुआ था? नहीं, पाकिस्तान बना था। कैद आज़म पैदा हुए थे 25 दिसंबर 1876 को और पाकिस्तान बना था 14 अगस्त। शाबाश मशरा, क्यों मनाते हैं हम 14 अगस्त? क्योंकि पाकिस्तान बना था 14 अगस्त को, इसलिए हम बनाते हैं। माशाल्लाह जी, बच्चे स्कूल वाले जा रहे हैं तो साथ साथ अपडेट करना पड़ता है, अदरवाइज़ आपको पता हम भी भूल जाते हैं, हर बंदा भूल जाता है इस नफसा नफसी काल में। महंगाई बहुत है, जितनी भी आवाम है आपको नज़र आ रही है, जिस से बात सुनेंगे अब यही होगा कि महंगाई बहुत है। अभी हम जी हमजा बुटीक पे भी इंटर हो चुके हैं और माशाल्लाह बहुत ही प्यारा स्टाफ है, बहुत ही कोऑपरेटिव स्टाफ है हमजा बुटीक वालों का। इन्होंने वेलकम किया मैं और मुबशरा को भी एज ए ब्लॉगर। उन्होंने पूछा, मुबशरा पूछ रही अंकल से कैसे हैं, अंकल ने भी उसको बताया अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं। आपसे थोड़ा सा ना ग्रीटिंग के बाद जी हम जस्ट एक छोटी सी क्लिप बनाई यहाँ पे और हम जा रहे हैं दोबारा क्लीम प्लाजा की तरफ। क्लीमा बुटीक पे हम आए हैं जी, क्योंकि क्रीम प्लाजा जो है वहाँ पे इसमें ड्रेसेज हैं ज़्यादा, मैक्सिमम बच्चों के। कैसे हैं, पूछें? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप कैसे हो? माशाल्लाह जी, सो नाइस स्टाफ। इन्होंने ग्रीटिंग की अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम के बाद अभी हम मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स करीम प्लाजा, जो सेंट्रल वे है करीम प्लाजा का। रश बहुत है, एक एक करके यहाँ निकलना पड़ता है सीढ़ियों पे, दो बंदे इकट्ठे पास नहीं हो सकते। बहरहाल एनीवे इट इज़ वेरी बिजी मार्केट माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम या सैयदी या रसूल। अस्सलाम वालेकुम गाइस, जब पहुंच चुके हैं तो जहर मारी है कि हम फिर तफाल स्कूल शोज क्लासन की यूनिफॉर्म ले लें, तो उसके लिए हमें सेकंड फ्लोर पे जाना पड़ा। अभी हम सेकंड फ्लोर पे पहुंच चुके हैं, क्योंकि साइड पे जो यूनिफॉर्म्स वाले हैं अली बाबा अलीजे वाले, इसके अलावा इंग्लिश साइड पे रहते हैं सारे के सारे। जी हाँ जी, हम पहुँचे हैं जी अभी शॉप्स के पास जो यूनिफॉर्म हैं, सेकंड फ्लोर करीम प्लाजा। पहली शॉप पे गए तो आज बच्चों ने पहले ही कह दिया कि शॉप उनका जो है स्टैंडर्ड कोई पसंद नहीं है बच्चों को। दूसरी शॉप पे आके वालेकुम अस्सलाम बेटा, क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अभी हम लोगों को आपसे अपनी यूनिफॉर्म लेनी है जी। कौन से स्कूल का? एपीएस स्कूल का मिल जाएगा।
इस बच्चे के साइज का दें और उस बच्चे का दें। कितनी प्यारी शॉप है, नाम क्या शॉप, बस नाम देखा था आपने, अलीजे जी। बच्चों को ड्रेसेस का मेजरमेंट बताई जा रही है और माशाल्लाह मुस्तफ़ा के बाकी बच्चों के भी ड्रेसेस लिए जा रहे हैं, रिक्वायरमेंट बताई जा रही है यहाँ पे। उस हिसाब से इन्होंने जितने भी है साइज़ के हिसाब से इनका रेडीमेड जो क्लोथिंग है माशाल्लाह आजकल बड़ा ईजी हो गया है, हर चीज़ आप जाएँ बच्चे का साइज़ बताएं हर चीज़ वहाँ पे इन्होंने टेबल पे लिख के लगाई है, और स्पेशली इन जो रेट्स जो हैं वो भी फिक्स प्राइस है, इसकी वजह से स्पेशली जो कस्टमर्स हैं वो भी इजी हैं और ये जो है सेल्समैन वो भी इजी हैं। देखो अपना एनीवे गर्मी बहुत है लेकिन गर्मी के साथ साथ शॉपिंग प्रोसेस बड़ा डिफ़िकल्ट होता है, गर्मी का मौसम हो स्पेशली इस तरह क्लोजिंग डे स्पेशली सैटरडे संडे जब क्लोज होते हैं तो मैक्सिमम पॉपुलेशन जो स्पेशली बच्चे पेरेंट्स के साथ यहाँ पाए होते हैं, जिसकी वजह से रश भी है, गर्मी के साथ साथ शॉपिंग ने बहुत बोर किया हुआ है। यहाँ पे जा रहे हैं एक एक चीज़ को नेगोशिएशन करनी प्लस एक एक बात पे डिस्कस करना बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसेस होता है, दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। आज बच्चों के ड्रेसेस क्योंकि स्कूल ओपनिंग हो रही है 12 को, उस सिलसिले में बच्चों ने ड्रेसेस प्लस शूज़ वगैरह फ्रेश लेने थे, इस सिलसिले में आज बच्चों ने यहाँ पर विज़िट किया। अलीज यूनिफॉर्म पे अभी हम खड़े हैं इस टाइम, साथ ही अली बाबा वाले हैं, और इंग्लिश गारमेंट्स भी साथ ही है जी। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ असरा आलमगीर फेमस शॉपिंग सेंटर फिल्म सेंटर। गाइस अभी हम लोगों ने अपना यूनिफॉर्म ले लिया और अभी पे हो रहा है, तो अभी हमारे यहाँ पर पे हो रहा है अभी काउंटर पे, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट शॉप पर जाएंगे और शूज लेने। तो लेट्स हर वाली यूनिफॉर्म ले रहे हैं और मैंने बोला दो तीन जो ले लिया देर से, तो अभी हम लोग चल रहे हैं। और इतना प्यार यहाँ पर देखने मेकअप किया है।
टॉवल्स वगैरह टॉयज ये है यहाँ पे, ये बेड्स हैं छोटे छोटे, ये देखिए ये शॉप है, अभी हम लोग अपनी शॉप पे जाएंगे इससे जैसे मामा को बुला के लाते हैं पापा को, फिर हम लोग गाइस अभी मैं दोबारा जाऊँगी स्टेशन बच्चों को जाने, फिर आप कहने जाऊँगी साबुन ये वाला खराब हो गया, ये वाला देखो कितने का प्यार ये देखो, ये वाला दिखाना फजूल होता है ये खराब कर, अच्छा बस ले इसको ले लेते हैं मुझे, बस चलो आ जाओ, हां हां मैं पहले दूसरी शॉप पे मुझे जाना, अच्छा ठीक है जी, हमने अभी काफ़ी सारी स्टेशनरी ख़रीद ली है सब बच्चों के लिए स्टेशनरी शॉप से मियां बुक डिपो से, और अभी नेक्स्ट प्लान देखें क्या है, यह शॉपिंग के बाद अभी रेस्ट नहीं था क्योंकि फिर हम तक की और मैं सोचा कि यहाँ पे कुछ रिफ्रेशमेंट लीजिए, माशाल्लाह जिस रॉयल फेवरेट फ्रूट शॉप
गाइस हम लोग अभी घर आ गए हैं शॉपिंग करके, तो हमने बोला आपको भी दिखा देते हैं। हम लोग थोड़ी बहुत 14 अगस्त की शॉपिंग कर ली। मेरी बहन तो कहती है कि 14 अगस्त पे तुम लोग यूनिफॉर्म पहने हो।